दोस्तों, अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो या चाहे आपने एडमिन हो या चाहे आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, तो ग्रुप सेटिंग के अंदर आपको कुछ न्यू सेटिंग आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बहुत ही मतलब ग्रुप के अंदर आप कुछ एडिट कर पाओगे, कोई भी ज्वाइन होता है उसके लिए एडिट कर पाओगे, कोई मैसेज करते हैं उसके लिए एडिट कर पाओगे, मतलब कि बहुत सारे सेटिंग आए हैं ग्रुप के अंदर, तो वो आज मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ग्रुप सेटिंग के अंदर पहले से डिफरेंट कर दिया गया है इस अपडेट आने के बाद, तो वीडियो पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास से जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर लेना और वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो अपडेट क्या आया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप पे आप देख सकते हो पहले इतना सारे सेटिंग नहीं था। तो ये जो सारे सेटिंग है इस ये कहाँ मिलता है, सिंपली यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप पे मैंने कनेक्ट किया था जो कि ये एक मेंबर है ग्रुप का मेंबर, ठीक है। इस मोबाइल पे एक ग्रुप का मेंबर दिखा रहा है और ये जो कि मैं इस ग्रुप के एडमिन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये मेरा ग्रुप है और इसको मैंने ऐड किया। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि कुछ सेटिंग न्यू आया है, जैसे कि आपने ये सारे सेटिंग पाने के लिए आपने प्ले स्टोर पर जाके जो व्हाट्सअप है उसे अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रुप सेटिंग कैसे आप यूज़ कर पाओगे। सिंपली आपने ग्रुप आइकन पे ऊपर क्लिक करना, उसके बाद प्रोफाइल पे आओगे तो थोड़ा नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रुप सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि ग्रुप सेटिंग के ऊपर। आप जैसे ही क्लिक कर गए इसके अंदर आप जो कि कस्टमाइज कर पाओगे, जैसे कि ये ऑप्शन पहले नहीं था और कुछ सेटिंग ये भी पहले नहीं था, कुछ सारे सेटिंग ये जो सारे सेटिंग देख रहे हो ये पहले नहीं था अभी आ गया है, तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इधर देख सकते हो एडिट ग्रुप सेटिंग, मतलब कि आप कोई भी ग्रुप सेटिंग एडिट कर पाएगा। तो आप ये अगर ऑप्शन ऑफ रहते हैं मतलब कि हर कोई ग्रुप का सेटिंग एडिट नहीं कर पाएगा, मतलब कि जैसे कि क्या क्या सेटिंग, जैसे सब्जेक्ट सेटिंग या आइकॉन सेटिंग या डिसिप्लिन मैसेजेस सेटिंग या डिस्क्रिप्शन या चाहे आप मैसेज टाइमर एंड वो जो किप्ड मैसेज वगैरह, वो सारे सेटिंग अगर हर कोई एडिट कर पाए तो उसके लिए आप इसे ऑन करके रखोगे तो मतलब कि ग्रुप मेम्बर पर जो कोई भी है वो एडिट कर पाएगा, मतलब कि ये मेम्बर है और ये भी एडिट कर पाएगा। जैसे ही मैंने ये ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी ग्रुप का जो सेटिंग वगैरह है, मतलब कि जैसे कि फोटो है या कोई भी नाम होगा या कोई भी डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा, वो कोई भी अगर एडिट कर पाए तो उसके लिए ये सेटिंग ऑन करके रखना होगा, और ये ऑन करके रखोगे तो हर कोई एडिट कर पाएगा। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो सेंड मैसेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर ऑफ है मतलब कि हर कोई मैसेज सेंड नहीं कर पाए। मैं जैसे इसे ऑफ कर दिया तो ये जो ग्रुप एड पे रखा है तो ये मैसेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप जैसे मैं ऑन कर दूंगा तो ये मैसेज कर पाएगा, क्योंकि ये हर कोई मैसेज कर पाएगा। अगर इसे ऑफ रख दोगे तो मतलब कि सिर्फ ग्रुप एडमिन मैसेज कर पाएगा, ठीक है। इसे ऑन करके रखोगे तो हर कोई मैसेज कर पाएगा। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो ऐड अदर पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर ऑन है मतलब कि हर कोई ग्रुप पे ऐड कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं जैसे ही ऑफ कर देता हूँ मतलब कि मैं सिर्फ ग्रुप में एडमिन कर पाऊँगा, मतलब ये अगर ऑफ रहता है सिर्फ एडमिन ही ग्रुप में कोई भी मेंबर को ऐड कर पाएगा। कोई भी नंबर अगर आपने ग्रुप में ऐड करना है तो आप क्या करते थे, पहले जो एडमिन को नंबर भेजते थे और उसके बाद वो ऐड कर देते थे, नहीं तो आप ग्रुप का लिंक किसी को सेंड करते हो वो ऐड कर पाते थे। लेकिन अभी क्या होगा, आप इसे अगर ऑन करके रखते हो तो हर कोई ग्रुप में वो अपने फ्रेंड को ऐड कर पाएगा। जैसे कि मैं इसे ऑन कर दिया तो मैं एडमिन तो नहीं हूँ, इस मोबाइल पे तो एडमिन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से ऐड कर पाऊँगा। सिंपल नीचे आके यहाँ पे देख सकते हो ऐड पार्टनर्स पे यहाँ पे क्लिक करके कोई भी मेंबर को ऐड कर पाएगा। अगर इसे मैं ऑफ कर देता हूँ देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है वो गायब हो गया, मतलब कि मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। ये मोबाइल पे जो भी है अपना फ्रेंड है, जो भी अपने ग्रुप लिस्ट में जो बंदा है जो एडमिन नहीं है वो एडमिन नहीं कर पाएगा, और इसे ऑन करके रखोगे तो ये कोई भी मेंबर को ऐड कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके ठीक नीचे आपको अप्रूव न्यू पार्टनर्स, मतलब कि अगर ये ऑप्शन ऑन है, अगर मैं इस मोबाइल से किसी को अगर ऐड कर देता हूँ उसके बाद क्या होगा कि ये ऑप्शन अगर ऑन करके रखता हूँ इसमें होगा कि जैसे ही इस मोबाइल से किसी को मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप पे ऊपर यहाँ पे एक रिव्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ये बंदे को जो ऐड कर लेता है, मतलब कि कोई भी एडमिन है जाके उससे रिव्यू करेगा, उसके बाद अप्रूव देगा तो वो ग्रुप में ऐड हो पाएगा, अगर ये ऑप्शन ऑन रखे हो तो। मतलब कि हर कोई तो ऐड कर देते हैं, किसी भी बंदे को ऐड कर देगा, लेकिन जब तक ना आप रिव्यू करके, मतलब एडमिन जब तक ना रिव्यू करके उसको देखेगा, जब तक ना उसे अप्रूव देगा, वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन अगर ऑन करके रखते हो तो। उसके बाद देख सकते हो नीचे आपको ऐड ग्रुप एडमिन, यहाँ पर क्लिक करके मैंने
अगर यहाँ से एडिट करके आप एडिट कर पाओगे कि कौन कौन ग्रुप में एडमिन है, आप एक बार में वो एडिट कर पाओगे और एक बार में आप जिसको मर्जी उसको ग्रुप एडमिन से निकाल सकते हो या ग्रुप एडमिन में भेज सकते हो। तो इस प्रकार से इस ग्रुप सेटिंग आया है, पहले से और भी बेहतर कर दिया गया है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट पे बताना। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।